Hello everyone, how are you all doing? I hope you are doing good. Today we are going to start with the Hello everyone, welcome back to another video from your Grammar Glitter Odyssey book of class 6th. We are studying the Brain Root series and the name of our chapter today is Adverb. Aaj hamare chapter ka name kya hai? Repeating the Hindi part again. चलिए तो आज हमारे चैप्टर का नाम क्या है एडवर्ब. ठीक है, देखते हैं हमारे पास एडवर्ब में क्या है. एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ द वर्ब. एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब एंड एक्सप्रेसेस हाउ अ थिंग इज डन व्हेन इट इज डन और वेयर इट इज डन. तो वो वर्ड जो बताता है कि एक पर्टिकुलर चीज कैसी हुई है उसे हम एडवर्ब बोलते हैं. ठीक है, देखते हैं अब कैसे. The child wept bitterly. I ate a very sweet apple. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो wept word है वो bitterly को और ज़्यादा modify कर रहा है. ठीक है, और ज़्यादा उस पर क्या नाम है, और ज़्यादा उस पर जोर दे रहा है. राइट, अब हमारे पास kinds होते हैं adverbs के. सबसे पहले adverb of manner. They express the way or the manner, जिस तरीके से एक action किया जाता है. तो वो सेंटेंस जो आपको बताएगा कि एक एक्शन किस मैनर से, किस तरीके से किया जाया है, उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं. जैसे द राजपूत्स फॉट ब्रेवली. राजपूत कैसे लड़े, ब्रेवली लड़े. तो ब्रेवली हमारा यहाँ पे एडवर्ब है. ही रन्स फास्ट. फास्ट हमारा एडवर्ब है. क्यों? क्योंकि वो उसकी भागने का तरीका बता रहा है. चलिए अब सर्कल करना है हमें द एडवर्ब ऑफ मैनर. Mia was badly injured when she fell down the stairs. तो इसके अंदर हमारा adverb क्या होगा of manner? Yes, badly. So the adverb of manner is badly. The deer ran quickly into the dense forest. So quickly हमारा adverb of manner होगा. Next, Sylvia sang the carols merrily. Merrily उसका तरीका है, जिस तरीके से उसने गाया. तो merrily हमारा adverb of manner होगा. The doctor spoke calmly. कामली मतलब शांत तरीके से उसने बात करी. तो ये हमारा फिर से क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर. द बेबी इज क्रॉलिंग स्लोली. ठीक है, ब्रेंट प्लेज द पियानो ब्यूटिफुली. नेक्स्ट, द डोरबेल रैंग लाउडली. ठीक है, तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आ गए और आपको पता चल चुका है कि हम एडवर्ब ऑफ मैनर किस तरीके से यूज़ करेंगे. जब हमारे जो एक्शन है उसके बारे में कुछ जो वर्ड बताएगा उसे मॉडिफाई करेगा, वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है. ठीक है, हम किस तरीके से एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर टेबल में. एडजेक्टिव्स हमें पता है किसी चीज़ की जो हमारी खासियत है, खासियत या फिर मतलब जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता चलता है. राइट, वो एडजेक्टिव है. बट जब उसके बारे में हमें एम्फोसाइज करते हुए पता चलता है तो वो एडवर्ब होता है. जैसे क्विक का क्या होगा, क्विकली. स्वीट स्वीटली. पोलाइट पोलाइटली. रूड रूडली. फुलिश फुलिशली. फाइन फाइनली. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एडवर्ब ऑफ प्लेस. दे टेल अस वेयर द थिंग्स हैपन और वेयर एन एक्शन इज परफॉर्म्ड. कि किस जगह पे वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म किया गया है, जब वो हमें पता चलता है उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस. जैसे गो देयर, माई मदर इज आउट. तो हमें कुछ ना कुछ प्लेस के बारे में पता चल रहा है तो हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं. सम कॉमन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर अप डाउन नियर अपस्टेयर्स अवे इनडोर आउटडोर इनसाइड आउटसाइड नोवेयर समवेयर बैकवर्ड एक्सेट्रा. तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ओके, सो नाउ वी गोइंग टू डू द बी एक्सरसाइज. कंप्लीट ईच सेंटेंस विद एडवर्ब ऑफ प्लेस. हमें इस एक्सरसाइज में एडवर्ब ऑफ प्लेस को फिल करना है. द ट्रेन विल स्टॉप देयर, या फिर आप क्या लिख सकते हो, हेयर. सो द ट्रेन विल स्टॉप देयर. ल्यूक पुट्स डैश टॉयज आफ्टर प्लेइंग. पुट्स अवे हिज टॉयज आफ्टर प्लेइंग. ओके, आई वॉक्ड डैश टू ब्रिंग द कीज. आई वॉक्ड आउटसाइड टू ब्रिंग द keys. Victor drove his car outside. Okay, next, the birds flew dash when they heard a loud noise. The birds flew away when they heard the loud noise. Next, the cat hide dash when it saw the new pet. The cat hide
Where does the cat hide? Can you say? Yes. So the cat hide inside. Next one. Wilma had to go dash to get her book. Wilma had to go upstairs to get the book. The eighth one. Mr. Clark searched dash for his keys. Mr. Clark searched everywhere for his keys. चलिए अब अगला है एडवर्ब ऑफ टाइम. प्लेस क्या है कि किस प्लेस पे हुआ है. टाइम क्या है कब हुआ है किस टाइम हुआ है. टेल्स अस द टाइम व्हेन समवन डज समथिंग और वन सम एक्शन इज परफॉर्म्ड. जहाँ जिस टाइम पे एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म हुआ है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है. जैसे फादर विल गो टू द ऑफिस टुडे. शी कम्स हियर अर्ली. ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम की कैटेगरी में आते हैं. कुछ और कॉमन एडवर्ब्स देखेंगे हम ऑफ टाइम. ऑलरेडी बिफोर यस्टरडे टुडे फॉर्मली अगो टुमारो अर्ली नाउ एंड सून. ये हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है. चलिए फिर से चूज द एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस. देखते हैं फर्स्ट वाला शी विल कम सून. तो इसके अंदर हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है. यस सून. सो यू जस्ट हैव टू choose it. I'm highlighting it for you. Second, the play will begin now. So now hamara adverb of time hai. Next, the boy came early. Early hamara adverb of time hai. I will see him tomorrow. So tomorrow hua isme. Next, he has arrived today. So isme kya hua? Today. The train will reach to Delhi tomorrow. Clear? Next, your desire will be fulfilled soon. He also died soon after consuming it. So, soon. Clear? This is adverb of time. So, all these words हमारे किस category में आते हैं? Adverb of time की category में आते हैं. आगे देखेंगे adverbs of frequency. They always let us know how often an action takes place. कि कितनी जल्दी जल्दी या कब कब वो action होता है. उसके होने की frequency क्या है? कितनी ऑफन वो होता है पर्टिकुलर एक्शन. जैसे नितारा ऑलवेज वर्क्स हार्ड. ठीक है. नेक्स्ट माई फ्रेंड ऑफन हेल्प्स मी. तो ये वाले वर्ड्स जैसे ऑलवेज ऑफन सेल्डम एक नया वर्ड है आपको ध्यान रखना है. अगेन फ्रीक्वेंटली ओकेजनली वंस ये सारे हमारे कॉमन एडवर्ब्स हैं ऑफ फ्रीक्वेंसी. आई होप इट्स क्लियर. नाउ वी हैव अनदर एक्सरसाइज विच वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. देखेंगे अब निक डैश प्लेस टेनिस इन द इवनिंग. तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे. निक ऑलवेज प्ले टेनिस इन द इवनिंग. सेकेंड वी कम हेयर डैश. वी कम हेयर एवरी नाउ एंड देन. देख सकते हैं यहाँ पे. तो दिस कैन बी योर सेकेंड वन. राइट. नेक्स्ट द प्लेस इज डैश क्राउडेड. द प्लेस इज हार्डली एवर क्राउडेड. So third, you can write hardly ever. Next, Reshma has dash gone on any trip. Reshma has rarely gone on any trip. So this can be your fourth one. My friends and their family get together occasionally. Okay, so fifth one, occasionally. Sixth, she dash keeps a check on her son. She always keeps a check on her son. So this can be your sixth one. So I hope it's clear. Now we have the adverbs of degree or quantity. They tell us about the intensity or the degree of an action. Ki kis intensity se ek particular action hua. Right? Jaise I had a little work to do. To hume dikh raha hai ki bahut kam kaam tha. Right? Kitna zyada aur kitna kam. Jo words ye batate hain ki kitna. Like for example, ek aur example hai. Niharika sings pretty well. तो ये हमारी क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री है कि वो कितना अच्छा है किसी चीज़ में. और एग्जांपल्स ले सकते हैं हम जैसे रादर टुगेदर टू मच क्वाइट पार्टली होली लिटिल अ लिटिल. ये सारे हमारे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी होते हैं. एग्जांपल्स देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. ठीक है. ही केम डैश क्लोज टू विनिंग द रेस. He came very close. Repeating. He came very close to winning the race. The water was dash cold to touch. The water was extremely cold to touch. So I'm just underlining here
और लेट मी जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू सो एक्सट्रीमली. नेक्स्ट द मूवी वी वॉच्ड इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ डिग्री. द काउच वॉज टू बिग टू फिट इन द रूम, टू बिग. ही वॉज डैश लीविंग, ही वॉज जस्ट लीविंग. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. She had dash finished her homework when the bell rang. She had almost finished her homework. ठीक है, नेक्स्ट. The movie was dash the funniest thing I've ever seen. Was absolutely the funniest thing I have ever seen. ठीक है, I hope it's clear. Next we have interrogative adverbs. Let's see. They are termed when WH words. इंटरोगेटिव आपने अभी तक सब बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ा है. डब्ल्यू एच वर्ड्स, वॉट, वेन, वाई, ये सारे हमारे इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं. और हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे वाई, वेन, वेयर, हाउ, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मैनी, ये सारे हमारे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं. एग्जाम्पल्स के तौर पर हम क्या देख सकते हैं, हाउ आर यू, वेयर डू यू लिव. तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स के. अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों को फिल करना है करेक्ट इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. चलिए देखते हैं. डैश फास्ट कैन यू रन, हाउ फास्ट कैन यू रन. सो आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट इट फॉर यू, हाउ फास्ट कैन यू रन. नेक्स्ट, डैश आर यू लाफिंग, व्हाई आर यू लाफिंग, वेयर आर यू लाफिंग तो हो नहीं सकता, व्हाई आर यू लाफिंग. डैश विल द ट्रेन अराइव, इज इट ऑन टाइम, व्हेन विल द ट्रेन अराइव. Dash is my bag, I put it here last night. Where is my bag? When in my... Repeating the line. So when in my bag to nahi ho sakta, isliye hum kya likhenge? Where is my bag? I put it here last night. Next, Dash is the boy who was standing here. Where is the boy who was standing here? Right? Next, Dash, did you return from your holiday? When did you return from your holiday? So this is when here. So I hope this is also clear. Let's move on further. Read out the passage, underline the adverbs and write them in correct what? Columns. So आपको ये columns दे रखे हैं. आपको इस passage में से words ढूंढने हैं, adverbs ढूंढने हैं और उनके types के हिसाब से उन्हें columns में लिखना है. तो I guess this can be done by you. So this exercise I'm giving you as your homework to do yourself. राइट, सो मैं आपको एक बता देती हूँ. जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में, द एंट फेल इन टू द रिवर एंड वॉज स्वेप्ट अवे इन द स्विफ्टली फ्लोइंग रिवर. और अवे भी हो सकता है, ठीक है. तो हमारा अवे हो जाएगा प्लेस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अवे. और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्विफ्टली पहला. तो इस तरीके से आपको फिल ऑन करने हैं. ओके, सो नाउ वी हैव एक्सरसाइज एच. Choose the appropriate adverbs from the box and fill in the blanks. So we have some adverbs here और हमको इनसे देख के यहाँ पे fill on करना है. First, Kalyani anxiously waited to hear. Second one is your homework. Stephen usually gets along dash with his friends. So you have to find out the word from here and fill. Right, next देखते हैं. My neighbors play their music. I can see clearly now that the windows are clean. Fifth one, homework. Sixth, the man shouted angrily for his dog to go back home. Next is your homework again. We will do the ninth one. The truck stopped abruptly, causing the driver behind it to slam brakes. Tenth one, the classes are usually held at school. However, during COVID-19, all classes were virtual. So I hope this exercise is clear to each and every one. Right, so that's it for this chapter. Thank you for watching. I will meet you in the next video now. Till then, goodbye and take care.